तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट ने कल अपना रूप दिखाया, किस तरह से तेजी थी आप देख रहे हैं। एक बड़ा सा गैप अप हुआ और फिर वो गैप अप सस्टेन किया मार्केट ने। एक दो तीन बड़े से कैंडल बने, उस वक्त वो कैंडल रुकने का नाम नहीं लिया और 90 डिग्री की देखिए तेजी थी मार्केट में। 25,227 पे बंद हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल पर आके खड़ा है। तो निफ्टी में हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था कि एक अच्छी बात यह है कि 25,000 को सस्टेन कर रहा है, एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। और 25,000 को सस्टेन करने का मतलब है तेजी, और वही तेजी देखने को मिला। देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ और उसको सस्टेन किया। ऐसे में आज क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो वीकली बेसिस पर 15 मिनट्स के टाइम चार्ट में आपने देख रहे थे किस तरह से तेजी थी। डेली बेसिस में देखेंगे बड़ा सा पिक बार बना है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है और 25,127 पे आके क्लोजिंग दिया है। ये वही लेवल है जहाँ से अच्छा मूवमेंट मार्केट एक्सेप्ट करता है। अब ये देखिए गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन जो हो रही थी बार बार, ये बड़ा सा जो कैंडल आपको दिख रहा है वो कैंडल अब ये क्या ग्रीन में कन्वर्ट होगा या रेड में ही रहने वाला है, ये इम्पोर्टेंट बात होगी। अब देखिए 25,127 पे जो क्लोजिंग दिया है काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल क्यों है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 25,127 मल्टीपल डेज यहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस लिया है, ये रेसिस्टेंस की तरह काम किया है और सपोर्ट भी देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ भी लिया है। तो मार्केट का नेक्स्ट पड़ाव क्या होगा, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 25,127 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो ये कैंडल को जैसे ही क्रॉस करेंगे, ये कैंडल है 25,185 को अगर हम क्रॉस करेंगे तो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फिर ये जो गैप अप था ये गैप अप को फिल करने की कोशिश करेगा। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट भी कर रहा है कि हम गैप अप खुलेंगे, तो अगर गैप अप खुलते हैं तो ये यहाँ पे गैप अप फिल होगा। फिर ये बड़ा सर जो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना था 25,500 जाने की तैयारी निफ्टी करेगा। डाउन साइड में आप देखेंगे अगर डाउन साइड में आता है प्रॉफिट बुकिंग तो 25,000 का लेवल नहीं टूटना चाहिए, 25,000 का लेवल नहीं टूटना चाहिए, बार बार हम बता रहे हैं। 25,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है और यहीं पे देखिए मल्टीपल डेज टाइम पास किया था मार्केट ने। तो 25,000 के नीचे अगर आता है तो फिर 24,800 आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट दिया है। तो क्लियरली ये दिख रहा है। अब आते हैं वीकली बेसिस पे किस तरह से मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है। वीकली बेसिस पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए मल्टीपल वीक टाइम पास किया था 25,127 पे, 25,127 वही लेवल है जो मल्टीपल डेज पे यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है। अब यहाँ ये जो बड़ा सा कैंडल बना है ये कैंडल सस्टेन करता है कि नहीं, नेक्स्ट वीक देखिए बड़ा सा ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का ये बड़ा सा रेड कैंडल है, तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो इस रेड कैंडल को ऊपर करना होगा, क्रॉस करना होगा। फिलहाल वीकली बेसिस पे जो 25,127 है ये वीक में हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि ये 25,300 का लेवल है, इसे पार कर जाए, 25,300 का लेवल अगर पार करता है तो एक अच्छी तेज़ी फिर मार्केट में देखने को मिलेगी। तो वीकली बेसिस पे ये साइकोलॉजिकल लेवल होगा, 25,370 का लेवल हमें याद रखना है, क्योंकि ये लेवल के बाद एक अच्छी तेज़ी फिर देखने को मिलेगी। 25,360 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अभी हम लोग देख रहे थे किस तरह से मार्केट ने मूवमेंट किया है। देखिए हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है पहले आधे घंटे कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, ये रणनीति हमेशा रखनी है याद। तो 75 पॉइंट का गैप अप अगर होता है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के दो कैंडल बने, एक दो आधे घंटे कैंडल हुआ ही, अब इसका हाई और इसका लो को मार्क कर लिए, तो हाई की दिशा में ही मार्केट अगर कोई पॉजिटिव रहेगा तो ये किस तरह से रैली देखने को मार्केट में मिला है। आज के सत्र में भी ये जो लेवल रहेगा 25,160 जो कल का हाई था, अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। फिर ऊपर की ओर हमें 25,250 और ऊपर की ओर हमें 25,300 तक का दर्शन हो सकता है। यानी हमें यह याद रखना है 25,160 को क्रॉस कर ले किसी भी रीजन से
तो हमें ये सारे लेवल देखने को मिल सकते हैं। 25,200 का लेवल हमें मिल सकता है, 25,240, 300 तक का रैली हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर की ओर जाएंगे। लेकिन अगर डाउन साइड आती है मार्केट में किसी भी रीजन से, तो आपको ये लेवल याद रखना है 25,024। अगर इसको तोड़ता है तो आपको अलर्ट हो जाना है, फिर नीचे की ओर 24,930 तक हम फिसल सकते हैं, और उसके ऊपर भी अगर ख़राब सेंटीमेंट रहा तो 24,800 की ओर भी हमें जा सकते हैं। यानी अपसाइड ऊपर की ओर देखिए 24,300 की ओर है, 24,400 की ओर, डाउन साइड में 24,800 तक आपका रिस्क है। अब आते हैं वीकली बेसिस पे निफ्टी बैंक को देखते हैं किस तरह से मार्केट रिएक्ट करना चाह रहा है। तो निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी रैली रही, देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे किस तरह से मूवमेंट है, 51,816 पे क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी बैंक में अगर 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पर ट्रेड लेना है। तो ये देखिए आधे घंटे के दो कैंडल बने, उसको मार्केट में मूवमेंट ही देखने को मिली है। अभी 51,816 पे क्लोजिंग दिया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है ये। अब इम्पोर्टेंट लेवल क्यों है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मल्टीपल डेज टाइम पास किया था और यहाँ पे फिर ये रिस्पेक्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो 51,816 के ऊपर गैप अप ओपनिंग जिस तरह से दिखा रहा होगा निफ्टी, तो यहाँ पे आपको याद रखनी है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें ये लेवल तक दर्शन हो सकता है 52,400 तक, और उसके ऊपर भी हम जा सकते हैं 52,600 की ओर, 52,800 की ओर भी हम दर्शन हो सकता है। तो यहाँ पे तभी पॉसिबल है जब पॉजिटिव कैंडल बनाए, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकाले, तभी तेजी पॉसिबल। डाउन साइड में देखिए अगर मार्केट में गिरावट होती है तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तब आपको फिर नीचे की ओर ये लेवल देखने को मिल सकता है। ये लेवल देखिए नीचे की ओर 50,000 का लेवल है, नीचे 50,208 तक का दर्शन हो सकता है। और यहाँ पे देखिए इसको जाहिर सी बात है अचानक ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपको ये जो 15 मिनट्स का चार्ट है यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे 51,200 पहले 28 है, पहले तो 51,228 का दर्शन हो सकता है, उसके नीचे 50,993 का, उसके नीचे 50,343 का भी हमें देखने को मिल सकता है पोजीशन। इसलिए आपको दोनों साइड रेडी रहना है। तो अब आते हैं किस तरह से डेली बेसिस पे निफ्टी बैंक कहना चाह रहा है। डेली बेसिस पे भी देखेंगे यहाँ बेरिश बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना दिया है, और यही वो लेवल है जहाँ से गैप डाउन हो रही थी निफ्टी के तरह ही। यहाँ पर भी देखिए सेम चार्ट बना हुआ है, तो ये जो गैप डाउन हुआ था इसको फिल करने की मार्केट कोशिश करेगा। तो ये बड़ा सा जो रेड कैंडल बना था ये रेड कैंडल को फिल करने की कोशिश करेगा, और ये रेड कैंडल को नेक्स्ट जो है यही टारगेट रहेगा निफ्टी बैंक का। तो ये जो है आपका इसका हाई था 52,577, तो हमें जल्द ही 52,577 तक का मिल सकता है लेवल। और डाउन साइड की बात कर लें तो आज का जो कल का जो लो था यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है, यह है 51,276 तक का लेवल, इसका वीक था 51,058। तो लक्ष्मण रेखा निफ्टी बैंक के लिए 51,058 है। आते हैं वीकली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे क्या है मार्केट निफ्टी कहना चाह रहा है। ये देखिए बड़ा सा बिग बार बन चुका है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो नेक्स्ट जो पड़ाव रहेगा ये लेवल का, ये लेवल क्या है 51,992 यानी 52,000। तो 52,000 जैसे ही पार करेगा निफ्टी बैंक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, फिर ये जो रेड कैंडल इसको फिल करने की कोशिश करेगा। 52,000 को अगर पार करता है तो 53,693 तक मार्केट देखने को मिल सकता है। गिरावट की बात करें तो ये जो वीक का हाई लो था ये लो नहीं टूटना चाहिए, 51,000 नीचे की ओर, ऊपर की ओर 52,000। तो काफ़ी सिंपल है चीज़ें किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकती है। अब आते हैं किस तरह से मार्केट बताना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे ये बता रहा है किस तरह से निफ्टी अपने आप को तैयार करेगा, कि निफ्टी खुलने की तैयारी है, पॉजिटिव संकेत है, 26 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं हम।
और यहाँ पे आप आते हैं अमेरिकन मार्केट में। अमेरिकन मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहा है। डॉ जोन्स देखिए 201 पॉइंट का रैली है, S&P 44 पॉइंट, नेस्टेक 160 पॉइंट, FTSE 40 पॉइंट, केक डेक निकी, तो सारे मार्केट में तेजी है। अब देखिए हांगकांग का मार्केट जो है हैंगसेंग, ये थोड़ा सा गिरावट हुआ है। जाहिर सी बात है वहाँ अब जितना पैसा गया था चाइना, वहाँ से फिर लोग वहाँ से निकाल के FI लोग इधर डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट में थोड़ी मोड़ी रैली दिख रही है। तो शंघाई मार्केट भी लेकिन तेज है। अब आते हैं किस तरह से मार्केट कहना चाह रहा है PCR पे। PCR देखिए, PCR बताता है कि मार्केट ओवरसोल्ड बॉन्ड पे है या ओवर सेलिंग बॉन्ड जोन पे है। तो अभी एक के नीचे जब तक PCR है तो आपको कंफर्ट रखना है। PCR देखिए ये ग्रीन कैंडल ये दिखा रहा है, PCR 0.7 पे है, जो ब्लू कैंडल है, ब्लू कैंडल 0.705 पे है। निफ्टी देखिए 25,127 पे है, तो PCR 0.70 पे है। अभी भी कंफर्ट जोन है, एक के ऊपर अगर निकलता है, डेढ़ के ऊपर निकलता है तो आपको सेलिंग जोन ये माना जाएगा। तो आपको सिंपल है, अगर एक के नीचे है आपको बाइंग कर लेना है निफ्टी को और बैठे रहना है, और ये जब डेढ़ के ऊपर चला जाए आपको सेल कर देना है फिर। तो ये सिंपल तरीका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे PCR इस लेवल पे काफ़ी नीचे था कल का। अगर आप स्टार्टिंग जोन पे देखिए PCR 0.6 पे था, तो यहाँ से 0.7 पे आ गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे आपको याद रखनी है। अब आते हैं किस तरह से ऑप्शन चेन अपने आप को तैयार कर रहा है, ऑप्शन चेन में क्या रणनीति बनानी चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन चेन को हम थोड़ा खोलते हैं। ऑप्शन चेन देखिए यहाँ दिख रहा है कॉल राइटिंग, ये जो शेडो जोन है 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 83 रुपये प्रीमियम है, 25,200 पे, यानी 25,200 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए इससे भी ज़्यादा प्रीमियम इधर दिख रहा है 25,500 पे, 2,10,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, 2,10,000 25,500 हम मान सकते हैं रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। फोर राइटिंग कहाँ से ज़्यादा है, गुड राइटिंग देखेंगे 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा दिख रहा है, 24,900 पे, एक तरह से ये सपोर्ट का काम करेगा। अब इसी को हम निफ्टी बैंक में भी देख लेते हैं किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो निफ्टी बैंक में भी आप आएंगे तो यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हुआ है 51,800 पे, और इसके बाद 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है 52,000 के स्ट्राइक रेट पे, 52,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, आइए देख लेते हैं। पुट राइटिंग 1,83,000 दिख रहा है सबसे ज़्यादा 51,000 पे, यानी 51,000 एक सपोर्ट, 52,000 एक रेसिस्टेंस की तरह निफ्टी बैंक अपने आप को तैयार कर रहा है। FIDI आंकड़े को समझते हैं, FII ने क्या किया है। देखिए अभी भी ये सेलर है लेकिन थोड़ा सा सेलिंग कम हुआ है, 3,731 करोड़ का इन्होंने सेल किया है। DII ने बाई किया है पावर 2,278 करोड़ का। तो DII रेगुलर बाय कर रहे हैं, FII रेगुलर सेल कर रहे हैं। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।